ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପରଠୁ କମିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପରଠାରୁ କମିବ ଶୀତ, ବଢ଼ିବ କୁହୁଡ଼ି। सूचना देले पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास। सप्ताह धरी लागि रहिथिबा शीतर प्रकोप आज जाए रहिबो। 23-24 तारीख सकाळे प्रबल कुहुडी नै सतर्कता जारी रहिछि। उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशार किछि जिल्लारे कुहुडी मात्राधिक रहिबो। घन कुहुडी पई 23-10 और 24-18 जिल्लाकु वार्निंग दिया जाइछि। तो चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। गत 15 दिन भितर कोविड संख्या सारा देश में उपर मुहा। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। गत 15 दिन भितर कोविड संख्या सारा देश में उपरमा हो 98% रोगी चिन्हट हो 88% केवल केरल नुआ भेरिएंट JN1 जदिव व्यापुची किंतु सांघातिक होना। साधारण इन्फ्लुएंजा भाई थंडा काश ज्वर रोचे किंतु राज्य में गत December 3 ठार कोविड गोटे हेले केस आसीना। अर्थात आम राज्य में कोविड संख्या शून्य। तथापि केन्द्र राज्य स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रही कह केस बढ़िवार संभावना रही। एणु जिला चिकित्सालय को कहुई सर्भेलांस बढ़ाए, कोविड टेस्ट बढ़ाए, फिवर क्लिनिक चलेंगे। कोविड केस जदि बढ़े तापाई समस्त प्रस्तुति एवठारू कर रखे। औषध, लॉजिस्टिक, टेस्ट किट, बेड, ऑक्सीजन, इकोसिस्टम जहाँ आवश्यक जिनस रखिए। या सहित प्रति 3 मास थे मॉक ड्रिल करने निर्देश दि जाए। लोक मान सचेतन रही कह चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सहारा रिफंड एवं सहारा रिफंड पोर्टाल 19,999 जाए करें क्लेम। तुरंत एभली करूँ आवेदन। सहारा इंडिया फसी टाँग को फेरी पाइबा चाह रही कोटि कोटि लोकों लगी खुशी खबर। एवठार निवेशक मैंने रिफंड पोर्टाल 19,999 जाए क्लेम करेंगे। एजावत यह राशि 10,000 जाए थी सरकार पक्षर टाँचा फेरी पाइबा लगी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टाल कर पोर्टाल जरिया एवं जाए 3 कोटी अधिक लोक आवेदन कर सारी। तेज बुधवार सरकार पार्लियामेंट्रे कहते पाखे वर्तमान 5,000 कोटी टंका अच्छी अधिक टंका लगी से पुणि थे सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ होते। एसबू मध्यम पुणि थे सहारा बी सबमिशन पोर्टाल लाइव होतीस। पोर्टाल गोटे नोटिफिकेशन फ्लाश हो जो मैंने आवेदन करते हैं ताक मंजूर कर पारिना से पुणि थे रिफंड लगे आवेदन करें। नोटिफिकेशन में लिखा जाए जमाकारी मैंने ध्यान दिंतु जो मानक कौन भूल अथवा पुणि थे पेमेंट फेल लगे सूचित कर दयाक पुणि थे सुधार सह आवेदन करूँ। आम 19,999 जाए क्लेम लगे पुनः सबमिशन स्वीकार करुचु। जो मानक सहारे टाँचा फसी रही तुरंत जा आवेदन करेंगे। तो चलो देखिए परवर्त अपडेट कौन रही। OSSSSC रे बाहर चाकरी आशाई ओडिशा रे बड़ सुजोग। ओडिशा सबऑर्डिनेट कर्मचारी चयन आयोग OSSSSC पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई राज्य सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीन नियुक्ति देवा नहीं सूचना दि जाए। एथपाई December 22 आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर सूचना रही। आग्रही प्रार्थी मैंने विभाग ऑफिशियल वेबसाइट OSSSC.gov.in माध्यम रे ऑनलाइन आवेदन करें। तो पदवी विषय जाणिनबा मोट पदवी हो 2453 से 1,002 पदवी फार्मासीस्ट और 1491 बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी पदपी विज्ञप्ति प्रकाश पाई। तो बयस सीमा विषय जाणिनबा आवेदन करने को आशाई प्रार्थी बयस सीमा 21-38 मध्य होगा आवश्यक सूचना रही। योग्यता विषय जाणिनबा फार्मासीस्ट प्रार्थी मैंने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा समकक्ष तथा फार्मासी बी फार्म अधीन सरकारी विज्ञान महाविद्यालय एवं डाक्तरखाना किंबा अन्यान्य स्वीकृतिप्राप्त बेसरकारी अधीन प्लस टू विज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण होता आवश्यक। एसत शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक AICTE द्वारा उपयुक्त भाव अनुमोदित एवं ओडिशा फार्मासी बोर्ड द्वारा परिचालित होता आवश्यक। बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी बा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पाई कौन रही योग्यता से विषय चलते जाने। प्रार्थी मैंने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा समान परिषद अधीन युक्त 2 विज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण होता आवश्यक। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल फार्मासी डिप्लोमा बा अन्य कौन स्वीकृतिप्राप्त बेसरकारी अनुष्ठान उपयुक्त भाव में स्वीकृतिप्राप्त फार्मासी काउंसिल ऑफ इंडिया बा AICTE द्वारा परिचालित कॉलेज उत्तीर्ण होता जरूरी। आशाई प्रार्थी मैंने आवेदन करने से 100 मार्क लिखित परीक्षा देवाक समस्त प्रश्न मल्टीपल चॉइस आसवा नहीं परीक्षार मार्क अनुसार नियुक्ति निर्धारित हो। चलन देखिए परवर्त अपडेट कौन रही। 30 तारीख में पद्मपुर जिला करा घोषणा। 30 तारीख में पद्मपुर जिला घोषणा कर पद्मपुरवासी बहु प्रतीक्षित दाबी पूरण होगा जाऊँगी। चलित बर्ष December 30 बरगढ़ जिला अधीन पद्मपुर उपखंड को जिला मान्यता प्रदान संक्रांत
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा करिए बोली निर्भरजोग्य सूत्र जमापड़ी। मुख्यमंत्री पद्मपुर वासी को देखा प्रतिश्रुति पूरण करने को जाती नूतन पद्मपुर जिलापा कार्यालय निर्माण पर उपयुक्त स्थान चिन्हित कर आसंता 30 तारीख में मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अनुषित होगा कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री यह नुआ योजना विधिवत भाव घोषणा करेंगे नुआ जिला घोषणापी आनुषांगिक प्रस्तुति चली। सूचनाजोग्य गत 4 तारीख में उत्तरांचल राजस्व आयुक्त सुरेश चंद्र दलाई अध्यक्षतार 11 जनिया उच्चस्तरीय कमिटी पद्मपुर को जा संभाव्य प्रशासनिक मुख्यालय स्थान बुली देखिथिले। कमिटी जिलापा कार्यालय अन्य विभाग कार्यालय और सरकारी बासभवन निर्माण पर स्थान निरीक्षण करते तो जिला घोषणा हेले पद्मपुर हे 31 जिला उल्लेख्य जे मुख्यमंत्री पद्मपुर को 2022 डिसेम्बर 2 जा 2023 डिसेम्बर सुधा पद्मपुर जिला मान्यता पाइब बोली प्रतिश्रुति देते। तो सारा दिन यहपर बछ बछ गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद और आम वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।